और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस लेसन में हमने टेबल के ऊपर डिस्कस किया था और टेबल से रिलेटेड हमने डिजाइन मेन्यू के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम टेबल में ही यहां से कुछ टेबल ड्रॉ करते हैं और डिजाइन के बाद लेआउट मेन्यू के ऊपर काम करते हैं। लेआउट में सबसे पहले सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट यहां पे देखें सेल लिखा हुआ है। अब सेल सिलेक्ट करेंगे, देखें जहां पे कर्सर रखी होगी वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। मैं नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, सिलेक्ट में जाके आप सिलेक्ट रो पे क्लिक करें, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। आप यहां पे सिलेक्ट कॉलम करना चाह रहे हैं, इसका कॉलम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सिलेक्ट रो के बाद सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कॉलम हो जाएगा। और अगर सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद व्यू ग्रिड्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या पास ग्रिड सामने नजर आ रही है। देखें ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है। आप इसको हाइड कर दें, वो आपके पास ग्रिड नजर नहीं आ रहे, देख सकते हैं। प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, टेबल की प्रॉपर्टी है। अब टेबल की प्रॉपर्टी में क्या है कि टेबल, आप देखें ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब टेबल में जो कुछ आप लिखोगे वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे अलाइन करता हूँ टेबल को, फॉर एग्जांपल सेंटर तो अभी सेंटर में ही है वैसे, इसको मैं साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, अब देखिएगा। तो यही अलाइनमेंट आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होती है, सारी ये अलाइनमेंट ये देखें यहाँ पे भी दी हुई है। तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ मैं लेफ्ट साइड पे टेबल करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ मैं, टेबल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में जाके मैं टेबल को राइट साइड पे करना चाह रहा हूँ, टेबल राइट साइड पे हो जाएगा। यहां से टेबल की विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, यहां से टेबल का एंडेट आप चेंज कर सकते हैं, मीन लेफ्ट राइट। अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास यहां पे, देखिए टेक्स्ट रैपिंग है, अगर टेक्स्ट लिखा हुआ यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टेक्स्ट लिखता हूं इक्वल टू रेंट 5,5, टेक्स आ गया। अब यहां पे टेक्स्ट रैपिंग का फंक्शन देखिएगा, टेबल थोड़ा साइज बढ़ाता हूं। अब लेआउट में जाके आप देखें यहां पे प्रॉपर्टीज के, तो अराउंड आप चाहते हैं कि टेक्स्ट सारे का सारा इसके अराउंड साइडों पे भी आ जाए, तो आप अराउंड पे क्लिक करके ओके करें तो आप देखिएगा कि टेक्स्ट इसके साइडों पे भी आ गए। अब प्रॉपर्टीज में जाके आप टेक्स्ट को नन, आप चाहते हैं कि अराउंड ना हो, रन पे क्लिक करें, टेक्स्ट इसके नीचे ही रहेगा। इसी तरह प्रॉपर्टी में आपका रो की प्रॉपर्टीज आ जाती है, रो की आपने हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ा सकते हैं। रो की में आपने जो भी चीज लिखनी है वो एटलीस्ट होनी चाहिए, या यहां पे अपनी अपनी मर्जी, आप जिस तरह भी चाहें हाइट बढ़ाना चाहते हैं हाइट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कॉलम की आप विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ बढ़ा सकते हैं। आप सेल जो होता है तो सेल की विड्थ बढ़ाना चाहिए विड्थ बढ़ा सकते हैं। सेल में जो टेक्स्ट लिखा है उसको टॉप पे करना चाहते हैं टॉप पे आ जाएगा, सेंटर पे करना चाह रहे हैं सेंटर पे आ जाएगा। देख लेते हैं अली, अभी जो अली लिखा हुआ है इस पे हम देखते हैं प्रॉपर्टी में। अब देखिए रो जो है तो रो की यहां पे हाइट बढ़ा के आपको बता दूंगा। अब ये जो रो है सेकंड वाले, इसकी हाइट बढ़ाना चाहे तो आप यहां से देखें इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, देखिएगा तो देखिए इसकी हाइट बढ़ गई है। अब इसी तरह आप कॉलम की हाइट बढ़ाना चाहें तो कॉलम की भी आप सॉरी विड्थ बढ़ाना चाहें तो कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, इस कॉलम की विड्थ बढ़ गई है। अब यहीं पे आप देखें तो सेल की अलाइनमेंट, अब सेल में आपके पास क्या है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टॉप पे आप देखें, तो इसको आप सेंटर में करना चाहें तो सेंटर पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए सेंटर में यहां पे आ गया। प्रॉपर्टी में आप बॉटम में लाके सेंटर में कहा चाहते हैं ये बिल्कुल बॉटम में आ जाए तो देखिए बॉटम में आ जाएगा, साइज का बढ़ा सकते हैं। आप देखें अलाइन टेक्स्ट वही चीज है, डिस्क्रिप्शन दे आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट, आप यहां पे टाइटल दें उसकी डिस्क्रिप्शन दे तो यहां पे आपका टाइटल भी आ जाएगा टेक्स्ट का। इसके बाद
टेबल को आप अरेज करना चाहें, सॉरी ड्रॉ करना चाहें तो आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, अरेज करना चाहें तो अरेज कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूं और मैं अरेज पे क्लिक करता हूं और यहां से देखिए आपके पास अरेजर आ गया। आप यहां से जिस जिस चीज को अरेज करना चाह रहे हैं देखिए अरेज कर सकते हो, अरेज हो गया। अरेज के बाद था आपके पास ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आप इंसर्ट में जाए तो आप टेबल के नीचे देखें तो यहां पर भी ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे देखें जरा तो आप टेबल यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहां पे टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड मैंने किया ड्रॉ टेबल, देखें यही चीज है, पेंसिल बनी हुई आएगी और आप यहां पे अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल को खत्म करें तो यहां पे देखें पेंसिल इसकी यहां से गायब होगी। डिलीट है, डिलीट में क्या है कि मेरे पास यहां पे ये वाला जो कॉलम है इसको डिलीट करना चाह रहा हूं, तो आप डिलीट में जाके तो इस सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सेल तो चलो डिलीट हो जाएगा, तो नीचे वाले जो सेल है वो क्या करेंगे, या राइट वाले या लेफ्ट वाले जो सेल है वो क्या करेंगे, तो कह रहे हैं शिफ्ट सेल अप, नीचे वाला सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, डिलीट इंटायर रो, नीचे ये रो पूरी डिलीट हो जाए, ये कॉलम पूरा डिलीट हो जाए। तो आप यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करें तो लेफ्ट वाला सेल यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहां से सेल देखें ब्लैंक हो गया। डिलीट करना चाहिए डिलीट भी कर सकते हो। इसके अलावा डिलीट आप कॉलम पे क्लिक करें, ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, देख सकते हैं। डिलीट रो पे क्लिक करना चाह रहे हैं पूरे की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, और डिलीट टेबल करेंगे तो पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल सेट करता हूं। अब इंसर्ट अबाउ, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का फंक्शन ये है कि टेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ए लिख देता हूं। अब ये जो मेरे पास रो है पूरी की पूरी, इसके आप ऊपर जो है तो एक और रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो देखें एक रो इसके ऊपर इंसर्ट हो चुकी है। बिलो नीचे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप नीचे रो से नीचे इंसर्ट हो चुकी है। इसके लेफ्ट साइड पे आप कोई कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें, एक देखें कॉलम इंसर्ट हो चुका है। राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे तो राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मर्ज के ऊपर, सेल साइज अलाइनमेंट और डेटा, इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।